बहादुरगढ़ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे प्रेमी जोड़े ने सुबह 7 बजे बड़ा ही खौफनाक कदम उठा लिया। दोनों ने अपनी जान देकर न सिर्फ अपनी प्रेम कहानी को खत्म किया बल्कि इस दुनिया को भी अलविदा कह दिया। पूरा मामला बहादुरगढ़ की रोहिल रेजिडेंसी का है। मृतकों की पहचान 25 साल के गर्वित और 22 साल की नंदिनी के रूप में हुई है। दोनों जने यूट्यूब पर शॉर्ट फिल्म बनाकर अपना चैनल चलाते थे। कुछ दिन पहले ही दोनों अपनी टीम के साथ देहरादून से बहादुरगढ़ आए थे। यहां उन्होंने रोहिल रेजिडेंसी की 7वीं मंजिल पर फ्लैट नंबर 701 किराए पर लिया, जहां वो अपनी टीम के तकरीबन 5 साथियों के साथ रह रहे थे। बताया जा रहा है कि देर रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई, जिसके बाद ये घटना सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा, सुनिए। रेजिडेंसी में एक लड़का और लड़की ने 6 मंजिल से कूद गए, जिनकी मौत हो गई है और 72 हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। इनके नाम गर्वित और नंदनी बता रहे हैं, इसके बारे में जांच कर रहे हैं, इनका रेजिडेंस के बारे में पता कर रहे हैं। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, वारसा का पता लगा कर इनको सूचित किया जाएगा और साथ में ये दोस्त रहे से उनसे पूछताछ की जा रही है क्या मामला था। इन्होंने बताया कि यूट्यूबर हैं और अभी करीब 1 महीने से यहाँ रहने लगे हैं और इनके घर वालों का पता लगा जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एफएसएल टीम को सूचित कर दिया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को शहर के ट्रोमा सेंटर में भिजवाया है, जहां दोनों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मृतकों के परिजनों को भी पुलिस ने सूचना दे दी है। परिजनों के बयान के आधार पर मामले में आगामी कार्यवाही की जाएगी। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।